गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने अपने करोड़ों भक्तों को आनंद के ऐसे कई क्षण दिए हैं जिनकी जुगाली कर क्रिकेट प्रेमी जब तब आनंद लेते रहते हैं। उनका अंतरराष्ट्रीय करियर 24 वर्षों का रहा। इतना लंबा करियर, बचपन से आज तक की बातें, मैदान के अंदर और बाहर की गतिविधियों को 2-2.5 घंटे की एक फिल्म में दर्शाना किसी भी फिल्मकार के लिए टेढ़ी खीर है। निर्देशक जेम्स अर्पस्किन ने इस चुनौती को स्वीकारा और वे सफल भी रहे। सचिन अ बिलियन ड्रीम्स में सचिन के बचपन से आज तक की प्रमुख घटनाओं को पिरोया गया है। यह एक डॉक्यू फीचर है जिसमें सचिन के बचपन को एक किरदार के जरिए दिखाया गया है, लेकिन बाकी की बातें सचिन सुनाते चलते हैं। सचिन अ बिलियन ड्रीम्स की शुरुआत सचिन के बचपन से होती है कि किस तरह से यह नटखट बच्चा क्रिकेट के प्रति गंभीर हो गया। इसके बाद सचिन का पहला टेस्ट, अब्दुल कादिर को छक्के जमाना, 1996 का विश्व कप, सचिन के पिता का निधन, सचिन का कप्तान बनना, 2003 का विश्व कप क्रिकेट का फाइनल, क्रिकेट पर फिक्सिंग का साया, 2001 में ऑस्ट्रेलिया से हुआ कोलकाता टेस्ट मैच, सचिन बनाम वॉर्न सीरीज, चैपल का प्रशिक्षक बनना और फिर 2011 का विश्व कप जीतना जैसे कई यादगार लम्हे आंखों के सामने से गुजरते हैं जिन्हें देख सिनेमा हॉल में बैठे क्रिकेट प्रेमी के अंदर भावनाओं का ज्वार घुमड़ता है। कुछ सचिन की यादगार पारियों की झलक भी मिलती है। सचिन का इन घटनाओं के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा यह भी जानने को मिलता है। मसलन फिक्सिंग पर उस समय चुप रहने का कारण बताते हुए सचिन ने कहा कि उनके पास बोलने को कुछ नहीं था और न ही सबूत थे। कुछ नई बातें भी पता चलती है। सचिन और अंजलि की पहली मुलाकात कैसे हुई थी, जब सचिन तनाव में रहते हैं तो कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं, कौन सा मैच सचिन अपने करियर का सबसे मुश्किल मैच मानते हैं, शेन वॉन ने जब सचिन को पहली बार आउट किया था तो उन्होंने क्या किया था, सचिन को अपने करियर के पहले मैच में नाक पर बॉल लगी थी तो जावेद मियादाद ने उनसे क्या कहा था, विश्व कप क्रिकेट 2011 के फाइनल में सचिन जब आउट हुए थे तब वे क्या महसूस कर रहे थे, सचिन कप्तान क्यों नहीं बनना चाहते थे, किस मैच के बाद कई खिलाड़ी बाथरूम में जाकर रोए थे। इन बातों को विराट कोहली, सहवाग, पोंटिंग, वॉर्न, युवराज, लारा, गावस्कर जैसे खिलाड़ियों ने भी बताया है। ड्रेसिंग रूम के फुटेज सहित कई ऐसे फुटेज भी हैं जो संभवतः पहली बार सामने आए हैं। जैसे विश्व कप क्रिकेट 2011 का सेमीफाइनल जीतने के बाद कोच गैरी कर्स्टन ने ड्रेसिंग रूम में क्या कहा था। सचिन के निजी संग्रह के भी फुटेज हैं जिनमें उनके पारिवारिक जीवन की झलक मिलती है और ये फिल्म की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। सचिन अ बिलियन ड्रीम्स में जिस बात की कमी लगती है वो उनके साथ खेले खिलाड़ियों की राय की। कुछ खिलाड़ी फिल्म में दिखाए गए हैं लेकिन उनकी बात अत्यंत ही संक्षिप्त है। सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, ब्रायन लारा, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर, वसीम अकरम जैसे खिलाड़ियों के मुंह से सचिन के बारे में बातें सुनना सचिन प्रेमियों को अच्छा लगता, भले ही फिल्म लंबी हो जाती। उनकी कुछ यादगार पारियों का उल्लेख और उनकी बैटिंग तकनीक पर भी बातें की जा सकती थी। अजहर से सचिन के मनमुटाव वाले हिस्से सहित कुछ कड़वी यादों को हल्के से छुआ गया है। सचिन के खास दोस्त रहे विनोद कांबली गायब है। निर्देशक जेम्स ने अपना प्रस्तुतिकरण सीधा और सरल रखा है। उन्होंने सचिन को एक हीरो की तरह पेश किया है और यही बात उनके प्रशंसक देखना चाहते हैं। सचिन, हर्ष भोगले और एक दो अन्य लोगों की वॉइस ओवर के जरिए उन्होंने बात को आगे बढ़ाया है। सचिन कुछ बार कैमरे के सामने असहज लगते हैं लेकिन इस बात को छोड़ा जा सकता है क्योंकि वे अभिनेता नहीं है। सचिन के अंतिम टेस्ट मैच में दिए विदाई भाषण से फिल्म को खत्म करना मास्टर स्ट्रोक है। सचिन अ बिलियन ड्रीम्स उन लोगों को पसंद आएगी जिनके लिए क्रिकेट धर्म है। सचिन के फैंस को तो यह देखना ही चाहिए। इस फिल्म को मैं 5 में से 4 स्टार देता हूँ।